हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम मनोज कुमार है और आज मैं बताने जा रहा हूँ कि डीवीआर को ऑनलाइन वाईफाई के थ्रू कैसे करते हैं। जो मॉडल है वो CP-UVR0801E1-H मॉडल है, ठीक है। अभी मैं यूज़ किया हूँ वाईफाई जो रिसीवर है, या आप लोग आम भाषा में अडेप्टर भी बोलते हैं उसे, या मैं टेक्निकल भाषा में वाईफाई मॉड्यूल उसे बोलता हूँ। तो ये आपका मॉडल है आपका। क्या हुआ उनका जो हॉस्पिटल आ रहे थे यहाँ पटना? ठीक है, आईबॉल कंपनी का है ये, 300 NM मॉडल है, कहाँ पे पिंपड़ा? ठीक है। उसके बाद अब बहुत मैं सुनते हैं हम। मेन मेनू में जाऊंगा, ठीक है। यहाँ ऑलरेडी मैं लगा रखा हूँ, ये देखिए, ये जो आप देख रहे हैं ये ऑलरेडी मैं लगा रखा हूँ इसमें। अब हम जाएंगे नेटवर्क में, नेटवर्क में जाएंगे वाईफाई में ऑप्शन, वाईफाई में ये जब दिए देखिए खुद ब खुद आ गया, ठीक है। अब मैं जिससे भी आपका जैसे मोबाइल फ़ोन में आता है वैसे ही आप सेलेक्ट कर लीजिए जो भी आप चाहते हैं, ठीक है। कि आपको ये आपका वाईफाई है, ये है, या आपका जियो है, जैसे भी करना चाहते हैं। ये सिंबल का साइन है उस पर क्लिक कीजिएगा तो ये आपका पासवर्ड डालने का ऑप्शन आ जाएगा। पासवर्ड है 9709794511866। ये देखिए मैंने पासवर्ड डाल दिया, अभी इसे मैं सेव कर दूंगा एक बार, ठीक है। जब भी आएगा इसे सेव कर दीजिएगा, और ये हाइलाइटेड हो चुका है ऑलरेडी, इससे कनेक्ट का ऑप्शन आएगा, ये कनेक्शन कर दीजिए। कुछ देर वेट कीजिए, ये देखिए खुद ब खुद ही आईपी इन्होंने उठा लिया है, ठीक है। ये आपका DVR, इसे अप्लाई करेंगे, ठीक है। दूसरी चीज़, इसे आप जब ऑनलाइन कर देंगे तो इसे आप इनेबल ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि बाद में भविष्य में DVR ऑन हो या ऑफ़ होता है खुद ब खुद या पावर कट होने से। तो ये जो आपका सिंबल है ये वाला, ये ऑटो डिटेक्ट कर लेगा और खुद ब खुद ऑनलाइन हो जाएगा। आपको दोबारा से सेम प्रोसेस नहीं करना पड़ेगा जो मैं अभी आपको करना पड़ रहा हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, इसका मैं चेक करूँगा इंस्टॉल पर, तो ये ऑनलाइन आ गया आपका। अब यहाँ से आप स्कैन कर सकते हैं अपने मोबाइल फ़ोन में, इसका एप्लीकेशन है GCMOB, ठीक है। तो इस तरीक़ा से आप जो भी DVR है आप उसको ऑनलाइन कर सकते हैं, चाहे किसी भी मॉडल का हो। ज़रूरी नहीं कि आईबॉल इसमें सपोर्ट कर रहा है तो आईबॉल सपोर्ट करेगा दूसरे में भी, लेकिन हाँ, नेटिस एक मॉडल है जिसका मॉडल है, नेटिस कंपनी का है, WF2123। ये बाई डिफ़ॉल्ट लगभग सारे मॉडल में सपोर्ट करता है, लगभग मैं बोल रहा हूँ तो कमोबेश सब में सपोर्ट करता है आपका, ठीक है। तो ये था मेरा वीडियो, अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और दूसरा चीज़, कोशिश कीजिए सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा करें, ताकि आप लोग मुझे कॉल करते हैं या फिर टेक्निकल सपोर्ट के लिए आप लोग कॉल करते हैं तो आपको टाइम बचे, तो आप इजी समझ पाएंगे, ठीक है, वीडियो देख कर करके राधा दन की कॉल पर जो मैं बोलता हूँ आपको। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा हो। थैंक यू।